शुरुआत करांगे वड्डी ते अहम खबर दे नाल जिथे संयुक्त किसान मोर्चे वालों भारत बंद का सद्दा दिता गया ते भारत बंद नूं लैके मीटिंगां दा दौर भी लगातार जारी है। दसदीए रुलदू सिंह मानसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ते किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने भी मीटिंग की है। सवेरे 6 बजे तो शामी 6 बजे तक भारत बंद का ऐलान किया गया ते इस नूं लैके वख वख गतिविधियां वेखण नूं मिल रही ने। लगातार बैठकां दा दौर जारी है जिथे किसानां वल्लों एका जाहिर किया जा रहा तां उत्थे ही लोकां नूं भी इस किसान अंदोलन दे विच एक हिस्सा इस भारत बंद दे विच पाउण दी गल आखी जा रही है। लोकां नूं अपील की जा रही है कि भारत बंद का सहयोग किया जाए। संयुक्त किसान मोर्चे वालों भारत बंद का सद्दा दिता गया जिसनों लैके मीटिंगां का दौर भी लगातार जारी है। वखो वख थावां ते मीटिंगां हो रही ने। रुलदू सिंह मानसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ते किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वालों मीटिंग की गई है। सवेरे 6 बजे तो शाम 6 बजे तक का यह बंद का ऐलान है ते इसनों लैके वड्डे पद्धर ते भी तैयारियां हो रही ने। वखो वख बयान सामने आ रहे ने। इतों तक भी कहा गया कि इस बार का यह भारत बंद पिछली बार नालों वखरा होगा। ये भारत बंद की जो 26 की कौमी काल है उसको सफल बनाने के लिए हमने यहाँ मीटिंग बुलाकर उनकी जो तैयारियां हैं उनके बारे में सारा ये नीति घड़ रहे हैं क्योंकि पूरी भारत बंद है 26 को सुबह से लेकर शाम तक। देखिए ये वल्ला गांव है जहाँ हम बहुत बड़ी मीटिंग कर रहे हैं अपनी यूनियन की। वल्ला के पास वल्ला रेल ट्रैक है जो अमृतसर से दिल्ली को बड़ी रेल जा रही है जो 26 का पूरा देशव्यापी बंद आ रहा उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसकी ड्यूटी लगाई गई वल्ला गांव की भी वो रेल ट्रैक बंद करेगा। इस तरह से अमृतसर में 87 जगह पर और पूरे पंजाब में सैकड़ों जगहों पर जो हम बंद करके लाखों लोगों की शमूलियत करेंगे। इस तरह से पूरे देश में करोड़ों करोड़ लोग बंद में शामिल होंगे।